This is the day the Lord has made. Let's rejoice in the presence of the Lord and listen to his voice. और ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और आइए हम आनंदित होकर परमेश्वर की वाणी को सुने और आज की सुबह जो हो वो हमसे बोलना चाहता है. God bless you and the Holy Spirit enlighten you to understand what we are going to learn today. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको प्रकाशित करे, आपके दिलों को खोले ताकि हम उन बातों को सीखने पाए जो आज के दिन पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा. I remember the title of this meditation, what do trials reveal about a person? और याद रखिए इस मनन का जो शीर्षक है वो ये है कि परीक्षाएं कौन सी बातों को प्रकट करती हैं? The text is taken from the Gospel according to St. Mark, chapter 4, verses 35 to 41. और जो हमने वचन लिया है वो है मरकुस रति सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 35वें वचन से लेकर के 41वें वचन. Where we read about the disciples traveling with Jesus in a boat crossing the sea after a day long teaching. जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नदी को पार करते हैं एक पूरे दिन की सेवा कार्य को करने के पश्चात. This particular sea had a nature of the sea is such that suddenly, unexpectedly, and without any warning, storms can hit the waters of the sea. और ये एक ऐसा नदी, एक ऐसा समुद्र है जिसका स्वभाव ऐसा है कि अचानक से कभी भी तूफान आ सकता है और लहरें आज उठ खड़ी होती हैं. So such a storm hit the disciples' boat. और इसी प्रकार के एक तूफान ने चेलों की नाव पर टकराया. Meanwhile, Jesus, so exhausted by teaching through the day, he went off to sleep. और उसके पश्चात हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह पूरे दिन की शिक्षाओं को देने के पश्चात थका हुआ उस नाव के पीछे सो रहा था. And when all the efforts of the disciples failed to steady the boat, they woke up Jesus. और जब चेलों के सारे प्रयत्न असफल हो गए उस नाव को संभालने के लिए तूफान के बीच, तब उन्होंने यीशु को जगाया. That's where we stopped on Tuesday. और वहीं पर हमने पिछले अपने मनन जो मंगलवार को था रोका था. Jesus stood up. यीशु उठ खड़ा हुआ. He was calm and collected and controlled. और वो शांत था, हर प्रकार से उसका मन केंद्रित था और वो अपने नियंत्रण में था. He didn't even raise his voice when he rebuked the forces of nature. उसने तो अपनी आवाज भी ऊंची नहीं उठाई जब उसने उस प्राकृतिक स्वभाव की ताकतों के ऊपर डांटा और फटकारा. A great calm came. एक बहुत शांति वहां पहुंचा गई. And then the disciples really started trembling. और तब वो चेले अचानक से घबराने लगे. Jesus turning from the calm of the sea. और यीशु मसीह उस समुद्र को शांत करने के पश्चात he turned to the anxiety of these sailors. और तब वो अपने चेलों की ओर पलटा और उनके भयभीत चेहरों को देखा. And he asked his disciples a penetrating question. और एक बड़ा भेदने वाला सवाल अपने चेलों से पूछा. Why are you so afraid? कि तुम क्यों इतना डरते हो? How is it that you have no faith? और ये क्या है कि तुम्हारे भीतर कोई विश्वास ही नहीं? The questions were not answered. और वो सवालों का कोई उत्तर नहीं मिला. But they were more afraid. लेकिन ये चेले तो और डर गए. In verse 41. और 41वें वचन में हम इस बात को देखते हैं. But they were more afraid. लेकिन वो तो और भयभीत हो गए. A great fear came upon them because a great force stood right in front of them. और एक और महान भय उनके भीतर आ गया क्योंकि एक और महान शक्ति और सामर्थ्य उनके सम्मुख खड़ा था. From this incident, और इस परिस्थिति से, I would like to pass on to you four valuable lessons. इस घटना से मैं चार महत्वपूर्ण शिक्षाओं को आपको देना चाहता हूँ. Number one, पहली वो शिक्षा, calm evenings can lead to stormy nights. और शांत शामें कई बार तूफानी रातों को लेकर के आती हैं. So we should not be too lethargic. Be alert
with prayer. और इसलिए हमें आलस्य नहीं रखना है, लेकिन हर समय प्रार्थना में सावधान बने रहना है. While we have our supper, जब हम अपना खाना खाते हैं, ready to go to bed, और जब सोते हैं, everything seems to be so nice. हो सकता है हर एक परिस्थिति बहुत शांत और अच्छी लगे. But before long, लेकिन इससे पहले कि सुबह हो, suddenly that night is turned to real dark. अचानक से वो रात एक बहुत ही अंधकारमय रात बन जाती है. And the situation can change. और वो परिस्थिति बदल जाती है. And therefore, और इसलिए Jesus give us this teaching. यीशु ने हमें शिक्षा को दिया. Do not take things for granted. कि बातों को ऐवे में ही या हल्के में ही मत लो. And do not be lethargic. और आलसी मत बनो. On the other hand, be alert. लेकिन दूसरे हाथ पर से सावधान बने रहो. Be alert with prayer. और प्रार्थना के साथ सावधानी रखो. That is the first lesson. और ये वो पहला शिक्षा. Second lesson is. दूसरी शिक्षा ये है. Sudden surprises can intensify. और अचानक से भौचक्का कर देने वाली बातें हो जाएंगी. They can intensify to an uncontrollable storm. और ये परिस्थितियां एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाएंगी जो ऐसे तूफान बन जाएंगी जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता. It doesn't take long for circumstances that you easily handle turn into a destructive typhoon. याद रखिए, एक ऐसी बात जिसे आप आसानी से जिसका सामना कर सकते हैं उसे एक ऐसे बड़े तूफान बनने में समय नहीं लगता जो आपके नियंत्रण से बाहर है. It can turn into a cyclone. और याद रखिए, एक ये तूफान का रूप ले लेता है. Threatens to destroy you. और आपको डराता है और आपको मारने के लिए तैयार रहता है. This what happened to my personal life. और ऐसा ही मेरे व्यक्तिगत जीवन में हुआ. In June 16, 2016. और जून का महीना उसकी 16 तारीख और 2016 वर्ष में. The day was nice. और दिन बहुत भला था. We have an evening meeting, prayer meeting. और शाम की एक प्रार्थना थी. So for that I had to go to another house. और उस प्रार्थना के लिए मुझे दूसरे घर जाना था. Little distance away. और थोड़े से ही दूर वो स्थान था. And my wife was at home. और मेरी पत्नी घर में ही थी. She had a visitor friend. और एक मित्र उनसे मिलने पहुंची थी. A believer who used to come to this church. और एक विश्वासी जो इस कलीसिया में आती है. And I left for the prayer meeting, seeing both of them sitting and talking and enjoying and having a beautiful time. और मैं उस प्रार्थना सभा के लिए निकल गया ये देखते हुए कि मेरी पत्नी और वो उनकी वो मित्र एक अच्छा समय आपस में बिता रहे हैं. I happily went to the prayer meeting and we had a beautiful time of prayer. और एक बहुत अद्भुत समय प्रार्थना के लिए मैं वहां पहुंचा और एक बहुत अच्छा और अद्भुत समय हमारा प्रार्थना का था. Over, और वो प्रार्थना समाप्त हुई. And the household people served us some snack and some tea. और जो घर के लोग थे उन्होंने एक चाय और कुछ खाने के सामान को हमारे लिए दिया. And while we were ready to come away. और जब हम आने को वापस लौटने को तैयार थे. Suddenly a call came. अचानक से एक फोन कॉल आया. It was my daughter. और मेरी बेटी दूसरी ओर कॉल पर थी. And she said. और उसने कहा. Mummy is unconscious. कि जो मम्मी है वो होश में नहीं है. No pulse. और उनका जो रेट जो पल्स है वो भी नहीं है. That is the message. और इतना ही संदेश उन्होंने दिया. We rushed and we came home. और हम बहुत जल्द वहाँ से निकले और बहुत जितनी जल्दी हो सकता था घर वापस लौटे. All that calmness, all that beautiful time, all that wonderful evening that we spent. और वो जितनी शांति वो शाम थी और जितना अद्भुत समय हमने वो प्रार्थना के समय में बिताया. Unexpectedly. और ये हमने सोचा भी नहीं था. Without any warning. और बिना किसी चेतावनी के. A real storm hit our boat. एक अचानक से एक बड़े तूफान ने हमारी नाव पर टक्कर मार दी. I saw my wife sitting enjoying her conversation, talk and fellowship with her other sister. और जाते समय तो मैंने अपनी पत्नी को उस दूसरी बहन के संग बात करते हुए और उनके वार्तालाप में हंसते हुए देखा था. And I came back to see her dead body. और मैं वापस लौटा सिर्फ उनके मृत शरीर को देखने के लिए. You can understand. आप समझ सकते हैं. It was not a small storm. और ये कोई छोटा तूफान नहीं था. It was a terrible cyclone.
ये तो एक बड़ा तूफान था. इन फ्यू इन टू थ्री मिनट्स और दो तीन मिनट में ही शी इज गॉन. वो परमेश्वर के पास चली गई. Unexpectedly, और अचानक से ही, no warning, कोई चेतावनी नहीं. She was not suffering from any deadly sickness. और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी. I saw her sitting and enjoying. और मैंने उन्हें जाते वक्त देखा था, वो बैठकर आनंद ले रही थी अपने वार्तालाप का. And I came back to see her dead body. और मैं वापस लौटा उन्हें ये देखने के लिए कि उनके पास जीवन ही नहीं था. That storm was so huge. और वो तूफान मेरे लिए एक बहुत बड़ा तूफान था. It created such a shock. और ये अचानक से इस तूफान ने मेरे भीतर मुझे बहुत छक्का कर दिया और एक तनाव को ले आया. That I could not even weep. और मैं इतना परेशान और इतना तनाव में आ गया कि मैं रो भी नहीं पाया. I could not even accept. और मैं तो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि अब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है. Within a few minutes, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ऐसा हो गया. So many of our church people started arriving from all over the city. और कुछ ही मिनटों में हमारे कलीसिया के सभी लोग अलग अलग भागों से शहर के पहुंचने लगे. An evening of calm and quietness. और एक शाम जो बहुत शांत थी. We're looking forward to the night. Good rest and sleep. और जबकि मैं रात्रि का इंतजार कर रहा था कि एक अच्छा आरामदायक रात होगी. Suddenly was turned into a destructive cyclone. और अचानक से ही वो रात एक नाश करने वाले तूफान के रूप में आ गई. That night. उस रात. I learned this lesson. मैंने इस शिक्षा को सीखा. Never take anything for granted. किसी भी बात को आप हल्की रीति में ना लें. God's mercies, परमेश्वर की दया. God's love, परमेश्वर का प्रेम. We must be always alert, हमें हमेशा सावधान बने रहना and है. And be careful for every moment, to give thanks to God for every moment. और हर क्षण के लिए अपने जीवन के परमेश्वर का धन्यवाद देना है. लाइफ इज नॉट गारंटी. क्योंकि जीवन का कोई गारंटी या कोई भरोसा नहीं. सडनली स्टॉर्म्स कैन हिट. क्योंकि अचानक से तूफान आएंगे. As the lesson is clearly taught here. और जो शिक्षा को यहाँ बड़े स्पष्ट रीति से बताया गया है. And our whole congregation went into a shock. और हमारी पूरी जो कलीसिया थी वो सब के सब भौचक्के रह गए कि ये कैसे हुआ. That's what I mean. Suddenly, अचानक से everything can change. हर एक बात बदल सकती है. So if everything is going on well today, और अगर आज सारी बातें अच्छी हो रही हैं, don't take things for granted. इसलिए आप चीजों को हल्की रीति से ना लें. Be alert. सावधान बने रहें. And alert with prayer. और सावधान प्रार्थना के साथ. Every step you take, और हर एक कदम जो आप लेते हैं, give thanks to God, परमेश्वर का धन्यवाद दें. Because there is no guarantee that you will take another step. क्योंकि ऐसा कोई भरोसा या ऐसा कोई गारंटी नहीं कि अगला कदम आप उठा पाएंगे. There is a verse in the Bible. वचन में लिखा है. Any mighty man is only a breath away. और एक कोई भी सामर्थी और बहुत शक्तिशाली पुरुष सिर्फ एक सांस के समान. And when such situation comes, और जब एक ऐसी परिस्थिति आती है, what can anyone do? तब कौन क्या कर सकता है? Before you could reach the hospital, इससे पहले कि आप हॉस्पिटल पहुंचे. Now the one tragedy at that day was there was nobody responsible here who could drive or who could take her suddenly to the hospital. और एक वो बात जो उस दिन ऐसी हुई वो ये था कि कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं था जो मेरी पत्नी को ड्राइव करके हॉस्पिटल तक ले जाता. But God marvelously brought someone. लेकिन परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से किसी को लाया. He suddenly called an ambulance. और उसने अचानक से एक एम्बुलेंस को कॉल किया. And but she was already gone. लेकिन वो तो परमेश्वर के पास जा चुकी थी. Everything changed. और हर एक बात बदल जाती है. How everything that day, you know that did not make me or break me. और उस बात ने ना ही मुझे बनाया ना ही मुझे तोड़ा. But that day it was revealed what I truly was. लेकिन उस दिन ये प्रकट हो गया कि मैं सच में हूँ कौन. And so, here is a lesson. तो यहाँ पर हम इस शिक्षा को पाते हैं.
unexpected storms can hit anyone's life. कि कभी भी बिना किसी चेतावनी की कोई भी तूफान आपके जीवन को से टकरा सकता है. And that's why you need to trust God and hand over everything to God for Him to handle. और इसीलिए आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है और हर एक बात और परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों और उसके सम्मुख सौंप देना. And that night I could not do anything else but just look to God. और उस रात में और कुछ नहीं कर सकता था, ना ही कर पाया, और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखा. So many questions. और बहुत सारे सवाल. But no answers. लेकिन कोई उत्तर नहीं. And so there is no sense in keep on asking questions. What had to happen, it happened, and God knew it, and He allowed it. और इसलिए सवाल पूछने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना था वो हो गया और परमेश्वर ने उसे होने की अनुमति दी और परमेश्वर को पता था. Why he allowed it? और क्यों उसने ऐसी अनुमति दी? I know why. और मुझे पता है क्यों. What happened to me and the lessons that I learned. और मेरे साथ क्या हुआ और मैंने जो शिक्षाएं सीखी. I needed to learn. और मुझे वो शिक्षाएं सीखनी थी. In a hard way. एक बहुत ही कठोर तरीके से. And I could just cry and shout and say, God, it's not fair. I cannot accept it. और मैं तो सिर्फ इतना ही कर पाया कि परमेश्वर के सामने रोया और चिल्लाया और कहा, परमेश्वर ये सही नहीं है. So what are you going to do if you don't accept it? और अगर आप क्या करेंगे अगर आप इसे नहीं मानते? The situation is not going to change. क्योंकि परिस्थिति तो बदलने वाली नहीं. She is gone. She is gone. वो तो जा चुकी है. But then God is still there. लेकिन परमेश्वर तो अभी भी है. He is watching over us. और वो हमें देखता है. And He knows that I am left here alone. और वो जानता है कि अब इस पृथ्वी पर मैं अकेला रह गया हूँ. He knows it all. और वो इन सारी बातों को जानता है. And doesn't He care for me? क्या वो मेरे लिए कोई चिंता नहीं करता? Of course He cares. वो चिंता करता है. And that is the confidence. और यही मेरा भरोसा है. So hang on to God. और इसलिए परमेश्वर पर निर्भर हो. Why are you afraid? आप तुम क्यों डरते हो? What happened to your faith? तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ? No, the disciples' faith suddenly disappeared. और अचानक से चेलों का सारा जो भय था वो दूर हो गया. In that situation. उस परिस्थिति में. They couldn't find any faith. क्योंकि उनके पास जो भी विश्वास था वो उन्होंने अचानक से चला गया और कोई विश्वास बचा ही नहीं. So they became panic. और इसलिए वो घबरा गए. They did not know what to do. और उन्हें ये नहीं पता क्या करें. Frantic, terror-struck disciples went and woke Jesus up. और एक भय उनके भीतर आया और उन्हें जाकर यीशु को जगाया. So let us build up our faith. और आइए हम अपने विश्वास को बनाएं. And when certain situation like this come, let that faith arise. और जब ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए तो होने दे वो विश्वास ऊंचा उठने पाए. Listen to the continuation of this on Saturday. और इस मनन के आगे के भाग को सुनने के लिए आप शनिवार के मनन को जरूर देखें. And let us apply these lessons into our practical life. और होने दे हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें. Lord, we thank you. That nothing take you by surprise. और धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि कोई भी बात तुझे भौचक्का नहीं करती. You are the beginning and the end. क्योंकि तू ही अंत और तू ही आदि और अंत तू ही है. That means that you have already seen the end from the beginning. और इसका मतलब ये है कि तूने अंत को शुरुआत से ही देख लिया है. So you know exactly what is going to happen. और इसलिए तुझे पता है कि क्या होने वाला है. So we rather put our trust in you. और इसलिए हम अपने भरोसे को तुझ पर रखते हैं. And be connected with you no matter what the circumstances. और तुझसे जुड़ जाते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो. Because you care for us. क्योंकि तू हमारी चिंता करता है. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. May your spirit continue to move. होने दे तेरी आत्मा निरंतर चलन करने पाए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This is a wonderful day, my friend. और एक अद्भुत दिन है मेरे प्रियो. Have a great day. एक अद्भुत दिन आपका बीते. God is with you. परमेश्वर आपके साथ रहे. And God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen. Amen.